हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जो आपको बच्चों के टेंपर टैंट्रम्स को हैंडल करने में हेल्प कर सकते हैं। कल मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट किया था जहां मैंने बात करी थी कि टेंपर टैंट्रम्स होते क्या हैं, किस एज में आपको ये ज़्यादा दिखते हैं, कब तक ये रहते हैं, क्यों होते हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाके देखिए ताकि आप टेंपर टैंट्रम्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 5000 लाइक्स। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें इसे हैंडल करना चाहिए, हम कुछ ऐसा ना कर दें जिससे बच्चे को लॉन्ग टर्म हार्म हो, उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़े या फिर बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें सीखे जो आगे जाके वो खुद करने लग जाए। बिकॉज बच्चों और पेरेंट के साथ हमेशा वॉक द टॉक का कॉम्बिनेशन चलता है। सबसे पहला टिप मैं आपको दूंगी कि स्टे काम एंड स्पीक सॉफ्टली। देखो, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है हम रिएक्ट करते हैं, और जब बच्चा उस रिएक्ट पे रिस्पॉन्ड नहीं करता तो हम अपनी आवाज को और तेज करते हैं और हमारे अंदर और गुस्सा आने लग जाता है, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। उस टाइम पे बच्चे के टैंट्रम को या बच्चे के इमोशन को वो सिर्फ एग्रीवेट ही करता है, उसको सुलझाता नहीं है। हो सकता है आपके बच्चे आपकी आवाज से डर के चुप हो जाए, एकदम से सहम जाए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने टैंट्रम को हैंडल किया। बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने आप को काम डाउन करें और रूम में ही या जहां पे भी आप हैं वहां पे एक जगह पे चुपचाप बैठ जाएं जब तक बच्चा काम डाउन नहीं हो जाए। अगर उस टाइम पे आप बच्चे से बात कर भी रहे हैं तो सॉफ्ट टोन में बात कीजिए। आप ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं बच्चे को कि मैं समझ सकती हूँ कि आप परेशान हो या आप खुश नहीं हो या आप अपसेट हो, टेक योर टाइम, काम डाउन एंड तब मम्मा को बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। थिंग्स लाइक दीज रियली हेल्प टू काम डाउन द होल सिचुएशन। मेरे और कबीर के साथ ये बहुत वर्क करता है। कबीर कभी अगर टैंट्रम थ्रो करता है तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है कि मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, और मेरे चुप होने से वो समझ जाता है कि मम्मा को जो हो रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है। थोड़ी देर उसे लगती है, 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद वो खुद ही बात करने लग जाता है। ये कई बार मेरे साथ बहुत ज़्यादा वर्क करता है। द सेकेंड टिप इज इग्नोर एंड स्पेस आउट। कुछ टैंट्रम्स ऐसे होते हैं जो आपको पता है कि ये ज़बरदस्ती के टैंट्रम हैं, आपका बच्चा बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो किसी और बच्चे को देख के ऐसा रिएक्ट कर रहा है, ऐसी कोई चीज़ मांग रहा है, अदरवाइज उसको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है या वो ऐसा नहीं करता है, तो उस टाइम पे बेस्ट है उस टैंट्रम को इग्नोर करो। आपका रिस्पॉन्स, बच्चे का रिस्पॉन्स, फिर आपका रिस्पॉन्स, फिर बच्चे का रिस्पॉन्स, वो सिर्फ टैंट्रम की सिचुएशन को और ख़राब करता है। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि आप रूम से बाहर चले जाएं, इग्नोर मतलब आप उस टैंट्रम पे रिस्पॉन्ड मत कीजिए। कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग एंड स्पेस आउट। किड्स आर ऑल्सो ह्यूमंस। जैसे हमें स्पेस चाहिए होती है वैसे कई बार बच्चों को भी स्पेस चाहिए होती है। उन्हें अपना इमोशन, अपना एंगर जो भी है उसे निकालने दीजिए। कई बार हमारे साथ भी होता है ना, जब हम परेशान होते हैं या हम एक टाइम पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, हमारे पार्टनर के साथ हमारी लड़ाई हो गई, बेस्ट फ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, तो हम चाहते हैं कि अभी हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और उसके बाद हम खुद ही मेलो डाउन हो जाते हैं। दैट्स एग्जैक्टली हाउ किड्स ऑल्सो वॉन्ट स्पेस एट सम टाइम्स। थर्ड टिप जो काफ़ी पेरेंट्स के साथ वर्क करता है वो है टाइम आउट। टाइम आउट देने के लिए आपको थोड़ा सेंसिटिवली इसको समझना पड़ेगा। टाइम आउट एक सिचुएशन होती है जहाँ पे आप बच्चे को बोलते हो कि आप एक रूम का जो सबसे बोरिंग कोना है जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है वहाँ पे आप बच्चे को बिठाते हो और बोलते हो कि आप अगले 5 से 10 मिनट यहाँ बैठो, काम डाउन हो जाओ, सोचो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, एंड वंस यू आर ओके हम आपस में बात करके इसको सॉल्व कर लेंगे। उस 5 से 10 मिनट जो आप बच्चे को टाइम आउट दे रहे हो उसमें आपने बच्चे से बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना है। आप अपने काम या जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसके साथ मूव ऑन कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हंसना शुरू कर दो, बिकॉज दैट डजंट गो वेरी वेल विद द किड। स्टे काम एट दैट टाइम एंड लेट द चाइल्ड काम डाउन टू। टाइम आउट एक बहुत इफेक्टिव वे माना जाता है बच्चों को सेल्फ सूदिंग या सेल्फ कामिंग सिखाने में। आगे जाके बच्चों को लाइफ में खुद ही अपने आप को सूद करना है, इसीलिए उन्हें ऐसी स्पेस देना जहाँ पे वो सोच सकें, खुद ही अपने आप को काम कर सकें एंड खुद उस चीज़ से बाहर आ सकें, अगर हम शुरू से कर पाएँ तो वो बहुत अच्छा रहता है। बट आपको टाइम आउट बहुत ज़्यादा नहीं देना है और बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं देना है, अदरवाइज उसका इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगला टिप जो काफ़ी सिचुएशंस में हमें पर्सनली बहुत काम आता है एंड सौरव और कबीर के रिलेशनशिप में मैं ये काफ़ी देखती हूँ, वो है हग, एम्पथाइज एंड टॉक आफ्टरवर्ड्स। ये तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है, बच्चे का आपने टैंट्रम देखा या आउटबर्स देखा, बच्चा रो रहा है किसी वजह से, आपने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया,
आपने जाके उसे सिर्फ एक हग दिया या आपने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला इट्स ओके, बस दैट्स इट। कई बार बच्चों को सिर्फ यही सुनना होता है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, एंड इट हेल्प्स देम काम डाउन। दूसरा होता है एम्पथाइज। एम्पथाइज का मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वी से आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, इट्स ओके। यू नो वर्ड्स और सेंटेंसेस विच टेल द चाइल्ड कि आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो वो कर रहा है दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ एन इमोशन जो आप में भी आता है और उसमें भी आ रहा है, वो बच्चों के साथ बहुत वर्क करता है। एंड देन टॉक आफ्टरवर्ड्स। कई बार टेंटर में हम क्या कोशिश करते हैं कि अभी प्रॉब्लम आई है तो अभी ही उसका सोल्यूशन दे दें, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। स्पेस दीजिए, एक ऐसा मोमेंट दिन में आने दीजिए जब आप और आपका बच्चा वापस उस जोन में है वेर यू आर कडलिंग एंड यू आर स्पेंडिंग दैट मी टाइम विद योर चाइल्ड, और तब इस बारे में बात कीजिए। जैसे कबीर के साथ मैंने देखा है, जो रात का टाइम होता है बेड टाइम, बेड टाइम से पहले उसको आधा घंटा बेड पे मस्ती करनी होती है, उस टाइम कोई टीवी नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, लाइट ऑफ होता है और वो हमारा स्टोरी टाइम या टॉक टाइम होता है। उस टाइम जब हम उससे किसी भी ऐसे चीज़ के बारे में बात करते हैं जो दिन में हुई है, जो उसको ठीक नहीं लगी या हमें ठीक नहीं लगी, तो उसके रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं जो हमें समझाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। सो फाइंड दैट टाइम वेर यू कैन टॉक टू योर चाइल्ड। इट कैन बी ओवर अ वॉक, इट कैन बी वेन यू गो टू द पार्क, इट कैन बी वेन यू आर जस्ट सिटिंग एंड चिलिंग और ड्यूरिंग बेड टाइम। अगला टिप है डोंट यूज़ नो टू मच। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों को जिस चीज़ के लिए नो बोलो उसी चीज़ की वो ज़िद करते हैं, वो ज़िद पूरी नहीं होती और वो टेंट्रम में कन्वर्ट हो जाता है। यू नो वन ऑफ द थिंग्स जो मैं कबीर के साथ सीख रही हूँ, कबीर अभी मॉन्टेसरी लर्निंग ले रहा है, तो एक चीज़ हमें सिखाई जा रही है कि बच्चे को नो बोलने से पहले यू शुड थिंक 10 times। बच्चों को तब तक नो मत बोलो जब तक वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं जो उन्हें फिजिकली या मेंटली हार्म कर सकती है या किसी और को हार्म कर सकती है, तब तक उन्हें नो मत बोलो। इनकी ये जो एज होती है ये बड़ी एक एक्सप्लोरिंग की एज होती है, उनकी क्यूरियोसिटी लेवल बहुत हाई होता है। लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम टेक द फीलर ऑफ थिंग्स, लेट देम डू थिंग्स ताकि उन्हें पता चले कि इसका कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है। अगर आप हर बार उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नो 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 बोलते रहोगे तो बच्चों का जो माइंड है वो काफी कंफ्यूज हो जाता है कि ये मुझे इस चीज के लिए नो क्यों बोल रहे हैं, एंड ऑल द मोर दे वांट टू डू इट एंड दैट्स व्हेन दे गेट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट विद यू। द नेक्स्ट टिप इज डोंट गिव इन टू अ टैंट्रम। द इजीएस्ट वे टू सॉल्व अ टैंट्रम फॉर मोस्ट पीपल क्या होता है, बच्चे ने बोला कि मुझे ग्रोसरी स्टोर में जाके ये वाली टॉफी खानी है, बच्चा रोने लग गया, हमने बोला चलो ले दो यार घर जाके ब्रश करा देंगे, आइसक्रीम खानी है गला खराब हो जाएगा कोई नहीं घर जाके गरारे करा देंगे। बहुत सिंपल सिंपल चीजें मैं बता रही हूँ आपको, बट मोस्टली स्पेशली बड़े लोग तो क्या करते हैं कि अच्छा चलो दे दो। बट यहाँ जो हम गलती करते हैं वो ये है कि हम बच्चे को सिखाते हैं कि जब तुम रोगे तो तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी, और इसी तरीके से बच्चे सीख जाते हैं कि किसी चीज़ को पाने का तरीका है कि आप इस तरीके का टैंट्रम थ्रो करो, डैडी के साथ ये स्टाइल वर्क करेगा, मम्मी के साथ ये स्टाइल करेगा, दादी के साथ दादू के साथ ये स्टाइल्स वर्क करेंगे, और वो उसी तरीके से रिएक्ट करके अपनी चीज़ें मनवा लेते हैं या चीज़ें ले लेते हैं जिसको हमें लगता है कि ये टैंट्रम थ्रो कर रहे हैं। अगला टिप अगेन जो आपने बड़ों को बहुत करते हुए देखा होगा, आप भी करते होगे, वो है डिस्ट्रैक्ट करना। ये कई बार वर्क भी करता है, एंड डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा तब लोग करते हैं जब वो बाहर के एनवायरनमेंट में होते हैं, क्योंकि हम सोशल प्रेशर्स में आ जाते हैं। बच्चा ग्रोसरी स्टोर में फिट थ्रो कर रहा है, आप किसी पार्टी में गए हो, बच्चा बहुत रोने लग गया है, इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करो, उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, एनवायरनमेंट चेंज करो, उसके हाथ में एक टॉफी पकड़ा दो, उसे कार ड्राइव पे ले जाओ, इस तरीके की चीज़ें हम करते हैं। गाइज दिस वर्क, सो इट्स ओके अगर आप ये कर रहे हो, बट इसको बहुत ज़्यादा नहीं करो। अल्टीमेट गोल पेरेंट्स का होना चाहिए टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट टैंट्रम इज हैपनिंग, एंड एक अच्छा टाइम देख के टू मेक द किड अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन ही हैंडल द इमोशन बेटर। द नेक्स्ट स्टेप इज प्लान फॉर द टैंट्रम। अब आपको लग रहा होगा ये कैसे हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के एक पैटर्न को देख के कि वो किस टाइम पे टैंट्रम थ्रो करते हैं, कब वो ज्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, ये चीज मेरे बच्चे के टैंट्रम में लीड करेगी। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, प्ले डेट है, अगर आपने बच्चे के फेवरेट टॉयज बाहर रखे हुए हैं और बाकी बच्चे आके वो टॉय छेड़ेंगे तो आपके बच्चे को परेशानी होगी। तो पेरेंट्स ओवर टाइम समझ के क्या करते हैं कि टॉयज को अंदर ही रख देते हैं ताकि प्रॉब्लम होए ना। या फिर आपको पता है कि मेरा बच्चा दोपहर के टाइम बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाता है, तो दोपहर के टाइम जो भी मैं अपना काम कर रही हूं वो मैं थोड़ा अर्ली दिन में कर लूं, ताकि दोपहर को आई एम विद द चाइल्ड और उसको वो टैंट्रम करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिले। यू नो वेरी बेसिक एग्जांपल्स दीज आर, बट अपने बच्चे का बिहेवियर अंडरस्टैंड करके यू कैन एक्चुअली प्लान फॉर दैट टैंट्रम टू नॉट हैपन एट ऑल। सो गाइज ये सारे सॉल्यूशंस हैं जो आपको टेंपर टैंट्रम्स हैंडल करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। ये वो सॉल्यूशंस हैं जो हमने खुद अपने बच्चे के साथ एक्सपीरियंस किए और हम
आपसे शेयर कर रहे हैं, बट हो सकता है कि आपके केस में ये वर्क ना करें क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर पेरेंट अलग है, हर पेरेंट की पर्सनैलिटी अलग है. तो कीप लुकिंग फॉर इनोवेटिव वेज एंड डोंट गिव अप. कई बार एक चीज़ हम ट्राई करते हैं वो वर्क नहीं करती है, बट अगली बार वो चीज़ वर्क कर भी जाती है. सो एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो फेज़ है टेम्पर टैंट्रम्स का, जो लंबा फेज़ लगता है जब बच्चे थ्रो कर रहे होते हैं बट इवेंचुअली हर पेरेंट की लाइफ से चला जाता है जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, इस फेज को हम पेशेंस के साथ निकालें. एक बहुत ज़रूरी मैसेज मैं बस यहाँ पे ये दूंगी कि इस फेज में आप अपना टेम्पर लूज करेंगे, अपना कंट्रोल लूज करेंगे, आपको लगेगा कि मैं तो ऐसे हूँ ही नहीं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है. प्लीज़ बच्चे के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाएं, बच्चे को कभी भी डार्क रूम में बंद नहीं करें. बहुत पेरेंट्स ये करते हैं, बच्चे को टॉयलेट में बंद कर दिया. दिस कैन रियली रियली डीपली इम्पैक्ट देयर मेंटल हेल्थ. एंड बच्चे को अब्यूज़ बिल्कुल भी नहीं करें. आप जिस तरीके से आज रिएक्ट करेंगे वो बच्चे के लिए फाउंडेशन सेट करेगा ऑफ हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू हैंडल हिज ओन इमोशंस इन द फ्यूचर. मुझसे बहुत पेरेंट्स पूछते हैं कि आपने कबीर पे चिल्लाया है, क्या आपने कबीर पे हाथ उठाया है. हमने कबीर पे ना कभी चिल्लाया है ना कभी हाथ उठाया है. इन सब तरीकों को यूज़ करके हमने डेफिनेटली सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करी और वो सिचुएशंस हमेशा हैंडल हो गई. कई बार थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा बट दैट्स ओके, दैट इज़ वॉट पेरेंटहुड इज़ ऑल अबाउट. आई होप आपको ये दोनों वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक बटन ज़रूर हिट करना. कीप डूइंग योर रिसर्च, आपको नए नए तरीके मिलते जाएंगे और आपकी पेरेंटिंग जर्नी ईजी होती ही जाएगी. इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी गाइज, इस स्पेस पे स्टक अप मत हो जाना, अदरवाइज आप अपने बच्चे को भी हार्म करोगे और अपने आप को भी हार्म करोगे. सो विद दैट आई विल साइन ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस भी जरूर शेयर करिएगा और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमें जरूर फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर. थैंक यू, बाय बाय.